नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। खबर राजधानी लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ में सड़कों के धंसने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला राजधानी लखनऊ के हजरतगंज का है, जहां एक सड़क फिर धस गई। अधिकारी कयास लगा रहे हैं कि मीथेन गैस की महकारी, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नीचे सीवर का लीकेज हो सकता है। आपको बता दें कि बीते दिनों राजधानी लखनऊ के लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास एक सड़क पाताल बन गई थी। इसके कुछ दिन बीतने के बाद ही अब हजरतगंज में एक सड़क फिर से धस गई है। नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और मेट्रो के अधिकारी मौके पर जांच करने पहुंचे, लेकिन सड़क किस वजह से धसी इसका कुछ पता नहीं लग पा रहा है। राजधानी लखनऊ में सड़कों के धसने का मामला थम नहीं रहा है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के ऐसे स्थान पर हैं जहां पर राहगीरों का, लोगों का और पूरे प्रदेश से लोगों का आना जाना रहता है। इस समय हम हजरतगंज के पास में हैं और हजरतगंज की सड़क बैठ गई है। हम आपको वहां तक लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि वो सड़क कहां पर है। और अब आप देखिए कि जिस तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास में सड़क धसी थी, विकास नगर में सड़क धस गया था, पाताल हो गया था, उसके बाद अब ये हजरतगंज का मुख्य मार्ग आपको दिख रहा होगा जो परिवर्तन चौक से सीधा हजरतगंज चौराहे की तरफ जाता है। और अब आप देखिए कि जिस जगह से हम आपको लेके आ रहे हैं वो मेट्रो स्टेशन था, उसके बाद अब ये अचानक एक छोटा सा होल हुआ है। लेकिन अगर इसको जूम करके देखा जाए तो इसमें इतना बड़ा गड्ढा है नीचे कि इसको बनाने में भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने गड्ढा हुआ था, उसी तरीके का कुछ गड्ढा ये तब्दील हो सकता है। तो ऐसे में इसकी जिम्मेदारी बनती है और किस तरीके से लखनऊ में जो सड़कें हैं वो लगातार बैठती जा रही, ये बड़ा चिंता का विषय है, बहुत गंभीर विषय बनता जा रहा है। क्योंकि अगर एक सड़क हो या दो हो या तीन हो, लेकिन लगातार शहर में चारों तरफ गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, पाताल हो रहे, इसका एक बड़ा कारण क्या हो सकता है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये जो है, यहाँ पर लखनऊ मेट्रो स्टेशन भी है जो भूमिगत है, यानी लखनऊ मेट्रो स्टेशन भी इसी मार्ग से होकर के नीचे से जा रहा है। तो एक ये भी बड़ा यहाँ चिंता का विषय है। और लखनऊ में जिस तरीके से राजधानी में सड़कें बैठ रही हैं, इस पर जांच क्यों नहीं हो पा रही है, उच्च अधिकारी इसको देख क्यों नहीं रही हैं। जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ, अब उनको भी इन सब मामलों पर संज्ञान लेना होगा और अधिकारियों को पेच कसने होंगे। क्योंकि लगातार जिस तरीके से घटनाएँ हो रही हैं, यदि इसमें कोई गाड़ी जा रही होती तो कोई ना कोई इसमें समा सकता था। लखनऊ विश्वविद्यालय के पास जिस तरीके से वहाँ पर होल हुआ, अगर वहाँ रात में बैरिकेडिंग नगर निगम द्वारा ना की जाती तो कई लोगों की जान वहाँ जा सकती थी। तो ऐसे में राजधानी में जिस तरीके से सड़कें बैठ रही हैं, इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग तरीके से इसको जांचना जरूरी होगा। अन्यथा जिस तरीके से लखनऊ के निवासी हैं वो कहीं ना कहीं काल के गाल में समा सकते हैं और वो फिर कैसे कहेंगे कि हम लखनऊ में हैं और कैसे मुस्कुराएंगे कि वो लखनऊ में हैं। फिलहाल जो मैंने आपको ये खबर दिखाई, ये राजधानी लखनऊ के पास में है और राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।